सीताराम डेरा में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के विरोध में युद्ध कांग्रेसियों ने रविवार को साक्ची गोलचक्कर में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का पुतला हम लोग यहाँ पर जलाए हैं और इसलिए जलाए हैं कि किस सुशासन की लोग बात करते हैं, क्या यही सुशासन है कि कल एक 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार के जैसा घिनौना काम किया है, क्या यही सुशासन है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पे पूरा जिला कांग्रेस कमेटी इसका पुरजोर विरोध करती है और अभी हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल बना करके वो बच्ची से जाएंगे भी मिलने के लिए और कल हम लोग एसपी से भी बात करेंगे कि क्या यही सुशासन है। इसी सुशासन की आप लोग बात करते हैं, इसीलिए सरकार का गठन हुआ था। दोषी को पकड़ने का काम जी, दोषी को पकड़ने का एकदम जल्द से जल्द काम हो और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। उधर एसएसपी ने कहा कि जांच जारी है और दुष्कर्मी को नहीं बख्शा जाएगा। रेप का मामला आया है, परिजन ने इनिशियली जो बोला था कि जो शाम काटने के बाद बोला था, लेकिन पुलिस को लगा कि नहीं इसमें रेप का घटना है। फिर हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन किया तब तो रेप का पुष्टि हुआ है और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए पुलिस ने भी बोला है कि हम लोग जो है TMH में इलाज करवा लेंगे। अभी बच्ची का इलाज करवा रहे हैं और डीटेल में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और बच्ची का जो कंडीशन में सुधार हुआ है और अभी पूरा जानकारी हम लोग प्राप्त करके अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो है कौन किया है। हो सकता है कोई जान पहचान वाला भी करने का चांस है, क्योंकि एकदम मेन बस्ती से हटके घर दूर में है, थोड़ा सा छोटा सा जो है हिल के ऊपर है और उसमें जो है ये हो सकता है कि कोई पुराना जान पहचान आदमी भी उधर आ सकता है, इसलिए कौन कौन हो सकता है वो संभावना सब हम लोग देख रहे हैं। और अभी तो ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। विकासशील युवा मंच द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता संजय जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। विकासशील युवा मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद वरिष्ठ नेता संजय जोशी ने आयोजन की तारीफ की। उन्होंने सबसे पहला जैसा कि हम लोग एक महिला को एक सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, उसे सम्मान मानते हैं, उसे हम अपनी इज्जत मानते हैं, तो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा कालखंड का जो असर था वो चलते गया, लेकिन आज युवा मंच के तहत आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में संजय जोशी जी आए हुए हैं। क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्या कारण क्या? आए दिन हम लोगों को देखने मिल रहा है आप लोगों के माध्यम से कि भारतवर्ष में कहीं ना कहीं हम लोग महिलाओं को अपेक्षित महसूस करते हैं, बेटियों को अपेक्षित महसूस करते हैं और दिन पर दिन उनका ग्राफ गिरते जा रहा है। पहले 52-48 था, अभी के आज के डेट में 60-40 हो गया है। हम लोग इसको जो है कहीं ना कहीं मार्केट में मीडिया के द्वारा हम लोग समाज में यह नया संदेश देने का प्रयास करेंगे। सुनारी में रविवार को युवा निषाद केवट समाज के वार्षिक कार्यक्रम में समाज की मजबूती एवं एकता पर बल दिया गया। सुनारी सीपी क्लब में युवा निषाद केवट समाज के वार्षिक कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस मौके पर समाज के उत्थान और शिक्षा पर बल दिया गया, साथ ही समाज से दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को भी दूर करने की मांग की गई। एक साल के बाद तीसरा भी वार्षिक कार्यक्रम है। क्या उद्देश्य के साथ में समाज में संगठन में बच्चों का मैं स्वागत कीजिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरी ओर बिष्टुपुर खालसा क्लब में भारत स्वाभिमान पतंजलि ट्रस्ट एवं महिला पतंजलि योग समिति की ओर से आयोजित बैठक में भाई अजीत जी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर आयोजित बैठक में भाई अजीत जी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी योग के महत्व को पहचानने और स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। से सिर्फ अतिथियों का स्वागत ही नहीं होता बल्कि अपना एजुकेशन भी होता है, तो तालियों भरोसे से साथ है हमारे अपने लिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
तब होती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं पूर्वी सिंहपुर के सभी लोग शिक्षक शिक्षिकाओं के इस डेडिकेशन के लिए मैं उनको आपके तालियों के बीच उनको इसको और मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए हम बारह जिला का मीटिंग कल धनबाद में किए और बारह जिला का बैठक आज जमशेदपुर के खालसा क्लब में हो रहा है। सुनारी में आयोजित सर्वधर्म विचार सभा में विभिन्न धर्मों के प्रवक्ताओं ने मानव धर्म के पालन को सर्वश्रेष्ठ बताया। मानव कल्याण पूरन फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सुनारी स्थित राजस्थान भवन में रविवार को सर्वधर्म विचार मंच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वामी सेवात्मन महाराज, हसन रिजवी, सरदार सोहन सिंह और सुरेश डी कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मानव धर्म के पालन पर जोर दिया और मानवता की सेवा को श्रेष्ठ बताया। बाजरे की रोटी, सूखी रोटी, साग, भोग खाने के लिए नहीं गए, जब मलग भागो। शहीद खुदीराम बोस की 126वीं जयंती पर माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित संगीतमय संध्या में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। आपका शिक्षण निकेतन से है, मीना बगली जी है दिव्य में।